जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज वैलेंटाइंस डे है, तो आज के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए अपने किसी भी समवन स्पेशल के लिए। तो आज जो मैं केक बनाने जा रही हूँ, ये अपने भाई के लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है, जिसके लिए मैं आज ये रेड वेलवेट केक बना के रेडी कर रही हूँ। इसके लिए हम क्रीम चीज भी घर पर बनाएंगे, और बहुत ही सस्ते में आज हम ये क्रीम चीज केक बना के घर पर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने समवन स्पेशल के लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए केक का बैटर बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक बाउल ले लेना है, जिसमें हम हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। ये हल्का गुनगुना है। जितनी चीजें मैंने यहाँ पर मेजर की है, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस हिसाब से यहाँ पर इसका स्पॉन्ज बना के रेडी कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ पर इसमें विनेगर ऐड करेंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो दूध हमारा है हल्का सा कर्डल हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बटर मिल्क भी ले सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं केक बनाने के लिए। इससे क्या होता है, केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनता है। और देखिए 2 मिनट में हमारा ये जो मिल्क था ये कर्डल हो चुका है। बस इतना ही हमें इसको कर्डल करना है। अब इसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 बाय 4 टी कप ऑयल ऐड करेंगे, कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल या फिर बटर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही 1/3 कप हम इसमें कर्ड ऐड कर रहे हैं। कर्ड और विनेगर जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आपका केक है वो एक्स्ट्रा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी, यानी कि शुगर। यहाँ पर पाउडर शुगर आपको ऐड करनी है। अगर आपके पास पाउडर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप मिक्सी में इसे चला के पाउडर शुगर बना सकते हो, और इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि सारी चीजें जो हमने यूज की हैं ये अच्छे से मर्ज नहीं हो जाती है आपस में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी आपको आज की ये रेसिपी समझ आती है। अगर आप बिगनर हैं और आपने कभी केक ट्राई नहीं किया है तो आप इस मेथड को फॉलो करके केक बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, घर में रखी कुछ चीजों से आप आसानी से इस केक को तैयार कर सकते हैं। मार्केट में तो केक आता है वो बहुत महंगा आता है, लेकिन आप घर में बहुत ही कम कॉस्ट में, मैं कहूँ मार्केट से भी आधी कॉस्ट में आप इसे बना सकते हो। इसके साथ हम इसमें ड्राई फ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे हमें किसी भी स्ट्रेनर पर रखकर छान लेना है। आपको कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट बिना छाने यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको छाना जरूरी है। इससे क्या होता है, इसमें अच्छे से एयर आ जाती है और आपका जो बैटर है वो बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, आपका जो केक है बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट करता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिल्क भी ऐड कर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट आ जाता है। इसके साथ ही हम बहुत थोड़ा यहाँ पर कोको पाउडर ऐड करेंगे। बाहर से जो हम रेड वेलवेट केक लेकर आते हैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी यूज होता है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं, अब इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर आपको बहुत हाथों को तेज नहीं चलाना है, धीमे धीमे हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। आप इस तरह का कोई विस्क ले सकते हैं या फिर स्पैचुला से भी आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसकी एक रिबन सी कंसिस्टेंसी बस बनानी है। जितना मैंने मिल्क लिया है यहाँ पर उतना मिल्क सफिशियंट था इसे मिक्स करने के लिए। अगर आपका दूध कम या ज्यादा हो जाए है तो आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऐड किया है, ज्यादा हमें इसका टेस्ट चेंज नहीं करना है। अब अच्छे से फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे धीमे धीमे हाथों से। और इसमें मैंने नमक डालना भूल गई थी, तो एक चुटकी नमक आप इसमें पिंच सॉल्ट ऐड कर दें, केक का टेस्ट और भी ज्यादा इससे इनहेंस हो जाता है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं लगता है केक आपको। और देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक स्पैचुला से अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन जैसी फ्लेवर कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। अब हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो हमें इसमें रेड कलर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रेड फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं ये स्वीटनर कलर है, इससे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर आपके जो रेड वेलवेट केक का मिक्सचर है वो बन के हो जाएगा रेडी। और आप इससे पहले केक बनाने से पहले ही ओवन या फिर कढ़ाई, जिसमें भी आप केक बेक कर रहे हो, उसे प्री हीट होने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें, उसके बाद आप एक कंटेनर इस तरह का रेडी कर ले। मैं तो घर में ही एक छोटी सी पतीली में इसे बेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मोल्ड है वो काफी बड़े साइज का है। मैं यहाँ पर छोटा केक बेक कर रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पर एक
छोटा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं बेक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आज इसे ओवन में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। 45 मिनट तक आप इसे बेक कर ले, आसानी से बेक हो जाता है। और डिपेंड करता है आपके बर्तन के ऊपर कि आपका जो बर्तन जिसमें आप बेक कर रहे हैं वो कैसा है। तो हम इसे बेक करने के लिए छोड़ देते हैं, इधर हम की क्रीम चीज बनाना रेडी करते हैं। तो क्रीम चीज जो मार्केट से हम लेकर आते हैं वो काफी महंगी मिलती है, तो यहाँ पर मैं व्हिप क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं है, इस टाइम अवेलेबल नहीं है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने ये केक तैयार किया है। और ऐसा होता है ना कि घर में हमारे पास क्रीम नहीं होती है, तो हम किस तरह से केक बना के तैयार कर सकते हैं ये भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर आज बना रहे क्रीम चीज। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। आपको क्रीम चीज बनाने के लिए फुल फैट मिल्क ही लेना है, और दूध को बस इतना गर्म करना है कि आपकी उंगली से सह सके और दोबारा आप इसमें अपनी उंगली डालने की हिम्मत कर सके। तो बस यहाँ पर दूध को हमने इतना ही गर्म किया कि हमारी उंगली अच्छे से इसे सह ली। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनीगर ऐड करेंगे। गैस मैंने ऑफ कर दी है, अब धीमी धीमी आप इसमें जब विनीगर ऐड करेंगे आपका इसमें 30 से 40 ml विनीगर आराम से चला जाएगा। नहीं है विनीगर तो आप इसमें नींबू भी यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सॉफ्ट सा इसका छेना मिलेगा। यहाँ पर हम इसका पनीर नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए हमें दूध को बॉयल नहीं करना है, हम इसका बना रहे हैं क्रीम चीज। तो इसे हमें बहुत सॉफ्ट नहीं, देखिए इस तरह से आपका ये जो इसका मिक्सचर है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे देखेंगे जो आपका सारा दूध है ये कर्डल हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी पनीर की तरह नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और आप देख सकते हैं जब आप फुल फैट मिल्क लेते हैं तो जो आपकी छेने की क्वांटिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा किलो से भी ज्यादा इसका जो छेना है वो निकला था। अब हम इसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से मैंने इसमें इसे कलेक्ट कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसे निकाल कर किसी भी कपड़े पर या फिर इस तरह का स्ट्रेनर ले लेंगे। आप इस स्ट्रेनर पर रख दें और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अच्छे से आप इसे 1 से 2 बार वॉश कर ले, से क्या होगा इसका जो खट्टा पानी है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे 1 से 2 बार। फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छे से हो चुका है ठंडा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेना है एक मिक्सी का जार, और जितना भी छेना यहाँ पर हमारा निकला है हम इस मिक्सी में ऐड कर देंगे। और इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक चीज क्यूब ऐड किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके हम इसे यहाँ पर कर लेंगे ब्लेंड। यहाँ पर जो चीज क्यूब डाला है ये ऑप्शनल है, आप इसे ना डालें तो बेटर होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आ गया था केक में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसे टोटली स्किप करने के लिए ही प्रेफर करूंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्रीम चीज है वो बन के रेडी हो गया है, और अब हमारा जो केक था ये भी बेक हो चुका है। देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये बेक हुआ है। आप इस तरह से कोई भी वुडन ये डाल दे, स्क्वेयर डालकर इसे देखें, और आप देखें यहाँ पर बिल्कुल क्लीन निकला है। आप इसका टेक्सचर देखकर ही पता लगा सकते हैं आपका केक परफेक्टली बेक हुआ है। ऐसे बेक होने में टोटल 45 से 50 मिनट का टाइम लग गया था। अब क्या करना है, हमें इसे एक प्लेट पर रख लेना है इस तरह से, ठंडा होने के बाद डिमोल्ड कर देना है। ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है लेकिन मैंने फिर भी इसे, मैंने सोचा मैं ऐसे हैंडल कर लूंगी। आप इसे पूरी तरह ठंडा ही कर ले क्योंकि अगर आप गर्म गर्म में केक को काट लेते हैं तो केक आसानी से कटता नहीं और टूट भी जाता है। बहुत मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ था, जो इसका स्पॉन्ज है बहुत बढ़िया बना था। अब यहाँ पर हम क्रीम चीज को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, बटर ले लेना है, और अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं, हम हल्का सा इसे इस तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर दूसरा वाला जो था वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, मैंने इसलिए एक ही इसमें ये ब्लेंडर लगाया है, और अब मैं इसी से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही लाइट सा इसका टेक्सचर हो चुका है यहाँ पर बटर का। और अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए ही आपको इसे बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाना है। और इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। क्रीम चीज में सॉल्ट नहीं होता है, सॉरी शुगर नहीं होती है, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें शुगर ऐड करनी है। हम इसे स्पैचुला से एक साथ कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, तो चीनी यहाँ पर मैंने जो ऐड की है वो 1 कप ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी यहाँ पर सफिशियंट होगी। चीनी को भी आपको अच्छे से यहाँ पर बीट कर लेना है कुछ सेकंड के लिए। आप देखेंगे काफ़ी लाइट सा ही मिक्सचर हो जाएगा, फ्लफी सा, बस आपको कुछ सेकंड ही इसे इस तरह से बीट करना है। और आप देख सकते हैं एकदम व्हाइटिश सा यहाँ पर जो कलर है इसका आ चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ जो क्रीम चीज आपने बनाया था मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, एकदम ठंडा होना चाहिए। और अब इसमें
हम ये क्रीम चीज ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे, इससे क्रीम जैसा फ्लेवर आपको मिलेगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है और आप क्रीम चीज केक खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपका ये बहुत ड्राई लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा चिल्ड मिल्क ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर अगर आपकी ये क्रीम गर्म हो जाती है तो आप इसे ठंडा कर ले, फिर से आप इसे बीट करें। तो देखिए सॉफ्ट पीक आने तक यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इससे बिल्कुल जो इसका टेक्सचर दिख रहा है क्रीम जैसा ही दिख रहा है और ऑलमोस्ट हमारी ये जो क्रीम चीज है ये रेडी हो चुकी है और हमारा जो स्पॉन्ज है ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे कट करने के लिए किसी भी थ्रेड का यूज करें, इससे बहुत आसानी से आपका जो केक है कट जाता है। जो ऊपर की साइड है ना एक्स्ट्रा जो है ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे केक को इरिटेट करेगा, इसलिए हम इसे निकाल लेंगे और इसका यूज हम करेंगे केक में आगे। तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, आप इसका यूज आगे करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जरूर मेंशन करें। और अभी तक अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं केक में जो स्पॉन्ज में होल्स दिख रहे हैं, कितना बढ़िया हमारा जो केक है ये बेक हुआ है, काफी मॉइस्ट है, बहुत ही ज्यादा नरम ये जो स्पॉन्ज है वो बन के तैयार हुआ है। आप इस स्पॉन्ज से हर केक को बना सकते हैं, कोई भी तरह का केक को आप इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड करके या चॉकलेट केक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसके तीन हिस्सों को डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसके तीन भाग निकाल लिए हैं इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर असेंबल करेंगे इसे। तो सबसे पहले सरफेस पर आप थोड़ी सी क्रीम चीज लगा लें इस तरह से, और मैंने यहाँ पर चकले की हेल्प ली है क्योंकि मैं केक तो यूजली बनाती नहीं हूँ नॉर्मली। आज मैं 2 से 3 बार ही मैंने केक तैयार किया है, तो आज जो केक मैंने बनाया था ये काफी टेस्टी बना था और अपने भाई के लिए स्पेशली मैंने इस केक को रेडी किया था। तो आप भी अपने किसी भी समवन स्पेशल के लिए इस केक को तैयार कर सकते हैं या फिर आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको उनसे बनवाना हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसे भी केक बनाना नहीं आता है इस तरह, मार्केट से काफी महंगा ये केक मिलता है, तो आप घर पर बहुत आसानी से काफी कम कीमत में इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं और जो इसका टेस्ट होता है वो काफी अच्छा होता है, मार्केट के मुकाबले तो काफी ही अच्छा होता है। तो इसे अच्छे तरीके से हमें क्रीम को क्या करना है, 1 by 1 लेयर लगानी है और अच्छे से हमें ऐसे असेंबल कर लेना है, पूरी क्रीम चीज से हमें इसे कवर कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर जो हमारा ऊपर का जो एक्सेस केक था इसे हमने मिक्सी में डालकर इसका एक पाउडर सा बना लिया था और इसे हमने इसके साइड्स में लगा दिया है। अब हमने एक हार्ट शेप का कोई भी कुकी कटर आपको ले लेना है और बीच में रख लेना है और इस तरह से हम इसके ऊपर जो केक का हमने क्रम बनाया था ऐड कर देना है। और क्या करना है, हल्का सा हाथों से आप इसे प्रेस कर ले, आप चाहे तो डायरेक्टली उसको काट भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरा पूरा नहीं था इसलिए मैंने इसे काटा नहीं है। और देखिए बीच में हमने एक छोटा सा हार्ट बना दिया है। तो घर पे आप इस तरह से बहुत ही आसानी से थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी के साथ इस तरह का केक बना के तैयार कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल केक बेकर नहीं हूँ इसलिए केक बनाने में मुझे भी काफी दिक्कत आती है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर इसी क्रीम चीज में कलर मिलाकर लिख लिया था हैप्पी बर्थडे भाई। तो आप भी इस तरह से जिसके लिए भी बना रहे हैं ऊपर मेंशन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, आप इसका टेक्सचर फ्रेंड्स देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी क्रीमी था, हमने इसमें कोई भी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन ये केक बहुत टेस्टी बना था। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल